بسم الله الرحمن الرحيم. कोई शहर अपनी बीबी को उसके कज़न के मोबाइल से मैसेज करता है कि मैंने आपकी कज़न को तलाक दी है, तलाक हो गई किसी के मैसेज से करे। कुरान में अब नमाज पढ़ता हूँ तो दूसरों को बददुआ देने वाले वसवसे आते हैं, न किया करें, बाद में ला हौल पड़ा करें। जितने जाने से एहराम ज़रूरी नहीं है। मुझे दूसरी शादी करने पहली बीवी नहीं करने देती, तो जब पहली बीवी से डरते हो दूसरी करोगे नहीं, इरादा ही छोड़ दो। बीवी क्यों इजाज़त दे के शादी करो? रमज़ान मुबारक की पहली रात सूरत अल-फतह पढ़ के दो रकात नमाज सलात तो ये कोई हुक्म नहीं है। किसी बुजुर्ग का तजर्बा हो तो पता नहीं शरीयत में कोई हुक्म। अल्लाह हर मुसलमान की परेशानियां दूर फरमाए। कहते कि इमाम बुखारी और दूसरे मुहद्दिसीन की कब्रें पक्की बनी, उन्होंने तो नहीं बनाई ना, वो तो बेचारे परेशानियों के आलम में, यानी इमाम बुखारी तो इतने परेशान थे कि हाकिम वक्त ने उनको तंग कर दिया था कि मजबूरन उन्हें दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मौत दे दो, तेरी ज़मीन मुझे तंग हो गई, तो खलतनक में फौत हो गए, तो कब्र कैसे बनाई थी? ये बाद में तो लोग बनाते रहते हैं ना, जैसे तुम पीरों की कब्रों पर रोज़े बना रहे हो, पीर कह गए कि बनाओ। मैं हिंदुस्तान से हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, हमारे साथ हिंदू भी होते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं। एहतकाम में वजू की नीयत मिसवा की नीयत से चला गया, मिसवा करने के लिए बाहर न जाए, हरम में बैठ के भी हो सकता है, सारी और इफ्तारी के लिए भी बाहर न जाए, हरम में सारी भी आ जाएगी इफ्तारी भी आ जाएगी। अगर सारी लाने के लिए घर जाए, एहतकाफ गया इंशाल्लाह छुट्टी हो गई एहतकाफ को। अगर सरकारी मुलाजिम है एहतकाफ में है, कोई इमरजेंसी टेलीफोन आ जाए सुन सकता है, कोई मोतकब ऐसे इस तरह गुसल के लिए गया एहतकाफ खत्म हो जाएगा, गुसल के लिए नहीं जाना चाहिए उसको। रमज़ान का एहतकाफ जो है सुन्नत है। मस्जिद का मेहराब गोया के बाहर होता है, उसमें मोतकब न बैठें। किसी ने वैसे मोतकब को धिक्का दिया मस्जिद की हद से बाहर निकला, उसका एहतकाफ नहीं टूटता। चौधरी अफजल मौलाना रोनी वफात पा, अल्लाह उनकी मफरत फरमाए, पता नहीं कौन चौधरी अफजल, बहरहाल जो भी, अल्लाह मफरत फरमाए।